आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर गुरुवार को जबलपुर पहुंचे, जहां डुमना एयरपोर्ट पर महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने उनका स्वागत किया। इस दौरान किसान कल्याण मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी डुमना पहुंचे। राम मंदिर निर्माण मुद्दे पर बात करते हुए श्री श्री ने कहा कि वो अपने सीरिया वाले बयान पर कायम है। श्री श्री का कहना है कि एक बार नहीं, हम 100 बार कहेंगे कि हमारे देश में सीरिया जैसे हालात नहीं बने। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं और हमने ये कहा, हमारा हम 100 बार कहेंगे हमारा देश कभी भी मिडिल ईस्ट जैसे ना हो, सीरिया जैसे ना हो। ये हमारी ख्वाहिश है, हमारे देश में अमन शांति कायम रहे, उसको लेके बवाला करते हैं लोग इतना। ये किसी को, सिर्फ किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी और को नहीं है, ये बात गलत है। सलमान नदवी को लेकर उन्होंने कहा कि वो एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, अगर वो सबको साथ लेकर फैसला लेते हैं तो अच्छी बात होगी। वहीं त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति तोड़े जाने के मामले में श्री श्री का कहना है कि मूर्ति तोड़ना गलत है, किसी भी तरह की उद्दंडता सही नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में तोड़फोड़ का कोई स्थान नहीं है। नदवी जी बहुत अच्छे इंसान है, सुलझे हुए इंसान है, एक विशाल दृष्टिकोण रखते हैं, वो सबको लेके करें तो अच्छा है। देश में अमन होना चाहिए, सब मिलजुल के करें। राम मंदिर का निर्माण दोनों समुदाय के सहमति से हो, यही मैं कह रहा हूँ। उस बात से बहुत लोग सब सहमत हैं, चंद लोग जो जिनका अस्तित्व ही संघर्ष में है वो लोग नहीं चाहते हैं, नहीं वो गलत है। देखिए किसी भी तरह का उद्दंडता तोड़फोड़ ये गलत है, करना नहीं चाहिए। भारतीय संस्कृति की उसमें नहीं है, ये चेहरे का ठीक नहीं है। ये भारतीय संस्कृति में ऐसे तोड़फोड़ का प्रथा है ही नहीं। जबलपुर से EMS TV के लिए कमलेश पटेल की रिपोर्ट।